अनेकों संभावनाओं के बीज अंकुरित हो रहे हैं, जो अनेकों मार्गों के द्वार खोलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समक्ष कई द्वार होंगे। ये सभी तुम्हें सफलता की चरम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सभी देखने में एक समान दिखाई देंगे, किंतु इनमें से एक द्वार अत्यंत दिव्य है, जो तुम्हें केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह मोड़ है जहाँ जीवन तुम्हें एक बार फिर नए अवसर दे रहा है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए अब तक के परिश्रम का परिणाम है, जो तुम्हारे मन में एक विचार के रूप में उत्पन्न हुआ। वह विचार जिसने तुम्हें कुछ तलाशने को मजबूर किया और प्रकृति द्वारा तुम्हारी तैयारी लगातार कराई गई, तुम्हें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से दूर रखा गया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई जहां तुम अकेले समय व्यतीत कर सको, जिसमें तुम अपने अंदर देख सको, अपने अंदर हो रहे कोलाहल को शांत करके अपनी ऊर्जा से जुड़ सको। मेरे बच्चे, यह वही समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से मिला देगा। इस मोड़ से तुम्हें एक द्वार चयन करना है, उसमें प्रवेश करना है, जहां तुम ब्रह्मांड के छुपे रहस्य और अपनी शक्तियों से अवगत हो जाओगे और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे जिसके लिए तुम यहां आए हो। उस द्वार का चयन करते ही तुम्हारे समक्ष अनंत संभावनाएं प्रस्तुत हो जाएंगी। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य निस्वार्थ सेवा भाव होगा। जिनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकृति उनके पास धन के भंडार लगा देती है। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो उस मोड़ से आगे बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मुद्रा में बैठकर उस दिव्य द्वार को पहचानने का प्रयत्न करो, जिसे तुम भौतिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। शीघ्र तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन प्रसन्नता से झूम उठेगा।